कभी कभी अच्छे लोगों को भी बुद्धि स्तंभित हो जाती है। जब रावण गया और कहा कि मैं तो सीता को छू नहीं सकता, और मेरे को तो सीता को ले जाने पर भी उसको सताना है रामचंद्र जी को, जिसने मेरे पत्नी मेरे बहन के नाक कान काटे, तो ये कार्य कौन कर सकता है कि वैष्णव भक्त है मारीच, वो वैष्णव था, राक्षस रहने पर भी वैष्णव था, तो और वो माया भी था मारीच। तो रावण उसके पास गया और बोला, देख मारीच, मैं तो सीता जी को उठा के ले जाने वाला ही हूँ, मेरे अवतार में जाकर मैं सीता को उठा नहीं सकता, अब तुझे काम करना है कि तू रामचंद्र जी को यहाँ से भटका कर ले जाना, मैं सीता जी को उठा, रामचंद्र जी अगर है तो मैं उसको लेने, लक्ष्मण और राम है तो मैं सीता जी को उठा के नहीं ले जा सकता। तो उसने कहा, मैं राम भक्त हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो मैं तुझे अभी मार देता हूँ, ठहर, मैं तेरा गला पकड़ता हूँ। तब मारीच को लगा कि इस रावण के हाथ से मरने से भी अच्छा है राम के हाथ में मर जाऊँ तो बहुत अच्छा है। बोला, ठीक है, आप जैसा करते हैं वैसा जरूर करता हूँ, मैं क्या करना है। तो मारीच स्वर्ण का हरण बन गया, सोने का हरण बन गया, वाह चरने लगा। माता सीता ने देखकर कहा कि देखो राम और स्वर्ण का हिरण कैसा चल रहा है, अपने आश्रम में अगर हम उसको रख लेते हैं तो हम उसे पाल लेंगे। अब रामचंद्र जी देखें और भाग गए। अगर निमित जैसे आदमी में बोल गया सोने का हरण है तो भागेगा, स्तंभन है, राम है, तो उनकी उस समय कहते हैं कि बुद्धि स्तंभित हो गई थी रामचंद्र जी की भी, रावण ने उस मंत्र को पढ़ा था। कोई आज तक जमाने में कभी सुना है कि सोने की सोने का हरण है तो रामचंद्र जी को क्या हुआ था? इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये श्लोक है, वहां रामचंद्र जी का लिखते हुए मैं कभी सुनाऊंगा। तो रामचंद्र जी सोने का हरण है बोल के भक्ति उसके पीछे चले गए, सोने का हरण तो होता नहीं, फिर भी सीता जी ने देखा और रामचंद्र जी भागे बिना सोचे समझे, कम से कम ये विचार में नहीं आया कि सोने का हरण होता है क्या, ये भी सोचे नहीं, रामचंद्र जी भागते चले गए। तो इसके पीछे उनकी बुद्धि स्तंभन कर दी गई थी, रावण तो बहुत ज्ञानी था कैलाश को उठाने वाला, लेकिन रामचंद्र जी चले गए तो लक्ष्मण को किस तरह करना चाहिए, लक्ष्मण को क्या करना चाहिए। फिर उसने कहा कि तू वहां जाने के बाद जोर से पुकार, हे सीते हे लक्ष्मण, यानी जैसे क्या राम के ऊपर कुछ आघात हो गया है तो लक्ष्मण यहाँ से निकलेगा। और मारीच ने वैसा ही किया, जब राम का बाण जाकर मारीच को लगा तो मारीच ने जोर से पुकारा, हे सीते हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो सीता जी को सुनाया कि रामचंद्र जी कहते हैं, तब देखो सीता जी की बुद्धि भी स्तंभित हो गई कि मेरे राम को कुछ नहीं होता, उन्होंने भी नहीं समझा हरिण क्या पुकार सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि राम को ही कुछ हो गया और लक्ष्मण को बार बार कोसती चली गई कि तू जाके रामचंद्र जी को बचा। लक्ष्मण को लगा मेरे भगवान राम को मेरे भाई को कुछ नहीं होता, भाभी मैं यहीं रहता हूँ, नहीं बोले तेरे को क्या, उसको उनके विचारों से बुद्धि स्तंभित होने बुद्धि काम नहीं करती तो कुछ कुछ भी बातें बोल दी और लक्ष्मण उस बातों को सहन नहीं कर सका और उसने लक्ष्मण रेखा खींच दी। अब एक बात याद रखो कि जिस शिवजी के कैलाश पर्वत को अपने हाथ पे उठा सकता है ऐसा रावण, शिवजी के आत्मलिंग को अपने साथ ले जाने वाला रावण, पार्वती जी को अपने साथ ले जाने वाला रावण, उस तीन रेखाओं को पार नहीं कर सका, इसके पीछे क्या क्या राज है, कौन सी रेखाएं हैं, ऐसी कौन सी रेखाएं जिसको रावण पार नहीं कर सका और सीता को उठा नहीं ले सका। कभी आपने देखा है लक्ष्मण के पास एक कौन सी विद्या थी जिसके कारण वो स्तंभित उर्मिला जी को भी किया था, पकने वाले चावल को भी वैसा ही रखा था और उन तीन रेखाओं को खींचकर रावण उसको पार नहीं कर सका। और सीता जी को ये बात कर गया किसी भी हालत में ये आप तीन रेखाएं आप पार मत करो, तो उन रेखाओं में क्या था, कौन सी विद्या थी, ऐसी विद्या जो लक्ष्मण ने वहां तीन रेखाएं खींची और यह दोनों भी इतने साधक, सीता को तो स्वयं पृथ्वी पुत्री या लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, गोमती पार कर सकती थी, वो पार करे तो उसको संकट आएगा, ये बात लक्ष्मण ने पहले ही बता दी थी और ये बात इसको भी कही थी। और रावण कहता था सीता को कि तू भिक्षा देनी है तो तीन रेखाएं पार करके मैं नहीं आता हूं, तो उन रेखा तीन रेखाओं में कौन सी विद्या रखी हुई थी, कभी आपने इसके बारे में सोचा? आपको सिर्फ मालूम है रामायण पढ़ तीन रेखा खींचे हैं उसके आदमी से, आपको ये विद्या कौन सी है कि जिसके कारण उन तीन रेखाओं को खींचने पर न रावण पार कर सका और सीता कष्ट में आई, इस विद्या के बारे में कभी जाना है इसे ही।